टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें डीटेक चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। आज हम हेडिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग होते हैं, यानी H1, H2, H3 ऐसे। इसमें क्या फर्क पड़ता है हम देखेंगे। तो हम कोडिंग करेंगे और क्या क्या फर्क पड़ता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर हम एक हम कुछ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है। तो इसको हम पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, और फिर नोटपैड प्लस प्लस में ए हो जाता है। ओके, 4, 5, 6 हेडिंग रहते हैं। तो इसमें हम 6 बार कुछ हेडिंग देंगे और यहाँ पर हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या क्या फर्क पड़ा आप देख सकते हैं। तो हेडिंग टैग देते हैं, सबसे पहले H1 यहाँ पर खत्म करेंगे। यहाँ पर H2 इतना लिखने के बाद हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से और देखते हैं क्या फर्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग में क्या क्या फर्क पड़ा। H1 ये रहा H1 सबसे बड़ा और H6 छोटा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कलर भी कर सकते हैं। हम इसके साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए H1 के अंदर हम यहाँ पर अगर कलर देंगे COLOR इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं ग्रीन, इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। माफ कीजिए, H1 यहाँ पर फॉन्ट देना था। यहाँ पर हेडिंग तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसके बाद अगर हम फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर फॉन्ट खत्म करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हुआ। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी। ओके, अब सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको अगर हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंटर इस्तेमाल करेंगे।
इसको सेव करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में आया। हम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी इस चीज को सेंटर में ला सकते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज को हम सेंटर में लाते हैं और एक एचआर टैग देते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन भी देंगे बीच में। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेंटर में आ गया। अगर हम इसके बीच में एक लाइन देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर हम एक एचआर टैग इस्तेमाल करेंगे। ओके, एचआर सेव किए तो देखेंगे, तो यहाँ पर एक छोटी सी बीच में लाइन है। इसको अगर हम इतने से में इतने करना है, बस इतना चाहिए, तो इसमें हम एक साइज देंगे इस चीज का। साइज इज इक्वल टू, साइज इक्वल टू हम यहाँ पर 15 दे देते हैं और उल्ट देते हैं, उल्ट WIDTH इक्वल टू डबल कंडीशन के अंदर हम 50 देते हैं और सेव कलर भी दे देंगे। चलिए COLOR डबल कंडीशन, यहाँ पर हम रेड लेते हैं। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन आ गया। इसको और बड़ा करना चाहिए, तो यहाँ पर हम विड्थ में चेंज करेंगे, 50 की जगह 300 लेते हैं। सेव करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ने हमने जाना कि हेडिंग टैग क्या होता है। अगले वीडियो में हम लिंक कवर करेंगे, लिंक कैसे हम जनरेट करें। तो आपने मुझे सुना, इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।